बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी रेसिपी है मज़ेदार सी मटन सूफियानी बिरयानी। अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए ये मेरी मज़ेदार सी रेसिपी मेरी स्टाइल में किस तरह से बनती है, और इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। तो आप लोग ये रेसिपी पूरी लास्ट तक ये वीडियो देखना। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा टेस्ट है और बहुत ही यम्मी बन के रेडी हुई है। आप लोग इंशाल्लाह मेरी रेसिपी लास्ट तक देखना। तो आइए हम लोग सूफियानी बिरयानी बनाना स्टार्ट करते हैं। मटन सूफियानी बिरयानी बनाने के लिए हमने 1 किलो की क्वांटिटी में मटन ले लिया है, जिसे हमने अच्छे से धो के साफ करके ले लिया है, जिसे हम लोग सबसे पहले मैरिनेशन कर लेंगे। मैरिनेशन के लिए देखिए मैंने 4 से 5 चम्मच भर के अदरक लहसुन की पेस्ट ले ली है। अदरक लहसुन की पेस्ट हमें थोड़ी ज़्यादा ऐड करनी है, बिरयानी में अदरक लहसुन की पेस्ट का अच्छा टेस्ट आता है। साथ ही में देखिए हरी मिर्च की पेस्ट हम लोग ऐड कर देंगे। हरी मिर्च हम लोग जिस हिसाब से स्पाइसी खाएंगे उस हिसाब से हम लोग ले लेंगे। साथ ही में देखिए मैंने पुदीना के पत्ते ले लिए हैं 1 मुट्ठी भर के। साथ ही में नमक ऐड कर देंगे टेस्ट के मुताबिक, और दही ऐड कर देंगे, और इन सब चीज़ों को हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दही मैंने 100 ग्राम की क्वांटिटी में ले लिया है। अब इसे हम लोग अच्छे से मिक्स करके मैरिनेशन रेडी कर लेंगे मटन का। माशाल्लाह, देखिए इस तरह से हम लोग जब मटन को मैरिनेट करके बिरयानी बनाते हैं तो बिरयानी का टेस्ट अच्छा आता है और हमारा मटन भी अच्छे से टेंडर हो जाता है। आप लोग इसे तुरंत भी मैरिनेट करके बना सकते हो, और अगर आपके पास टाइम हो तो आप लोग इसे 1.5 से 2 घंटा के लिए मैरिनेट करके रख दो, तो माशाल्लाह और ज़्यादा टेस्ट आ जाएगा मटन में। जब तक कि हमारा मटन मैरिनेट होता है तब तक देखिए हमने पानी गरम करके ले लिया है एक बड़े से तपेले में, जिसके अंदर हम लोग ये देखिए 1 किलो चावल बिरयानी के मैंने 1 घंटे के लिए अच्छे से सोक करके ले गई। इसे हम लोग ऐड कर देंगे। और साथ ही में ये तेज पत्ता, धनिया, पुदीना और हरी मिर्च ये भी ऐड कर देंगे, और 4 से 5 चम्मच भर के नमक ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और थोड़ा सा हम लोग तेल ऐड कर देंगे इसमें, ताकि हमारे चावल खिले खिले पके। इसकी जगह पे आप लोग चाहो तो घी भी ऐड कर सकते हो। माशाल्लाह, देखिए 70 से 80% तक हम लोग चावलों को अच्छे से कुक कर लेंगे। अब हम लोग मटन की तैयारी कर लेते हैं। तो देखिए मटन को अच्छे से भूनने के लिए मैंने एक प्रेशर कुकर में 250 ग्राम के नाप से तेल ले लिया है, जिसके अंदर हम लोग ये देखिए स्लाइस की हुई 4 से 5 प्याज ऐड कर देंगे। प्याज हम इसकी क्वांटिटी में थोड़ी ज्यादा रखेंगे, क्योंकि इसका ही मसाला होगा प्याज का ही। और साथ ही में देखिए ये खड़े गरम मसाले हम लोग ऐड कर देंगे। ब्लैक पेपर ले लिया है, लविंग, 2 बड़ा इलचा, स्टारफुल, तज, जाविंत्री, 5 हरी इलायची, 7 जीरा और जीरा, इन सब गरम मसालों को हम लोग ऐड कर देंगे, ताकि प्याज के साथ हमारे गरम मसाले भी अच्छे से फ्राई हो जाए। और इसका कलर हमें चेंज नहीं होने देना है, क्योंकि हम वाइट मटन बिरयानी बना रहे हैं। बस इसे थोड़ा सा हमें पका लेना है, बहुत सिंपल और झटपट से बन जाएगी बिरयानी हमारी। देखिए हमारी प्याज थोड़ी सी पक गई है, हमें इसका कलर चेंज नहीं करना है। इस टाइम पे हम लोग इसके अंदर ये साबुत अखी, हरी मिर्च ऐड कर देंगे। अगर आप लोग स्पाइसी खाते हो तो ही ऐड करो, वरना स्किप कर दो। और साथ ही में देखिए इसके अंदर हम लोग ये मैरिनेट किया हुआ मटन भी ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाह, अब अच्छे से हम लोग मिक्स कर देंगे, और इसे हम लोग इसी तरह से 15 मिनट के लिए खुला ही रख के भूनने देंगे, ताकि हमारा मटन में जो स्मेल आती है वो स्मेल ना आए। और हमें इसमें मटन बॉईल करते टाइम कोई पानी ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये प्याज, अदरक, लहसुन और दही उसी के पानी में अच्छे से माशाल्लाह बॉईल हो जाएगा। देखिए अब इसी तरह से हम लोग इसे अच्छे से 15 मिनट के लिए भून लेंगे, उसके बाद कुकर का ढक्कन बंद करेंगे। देखिए माशाल्लाह हमारा मटन भी अच्छे से भून चुका है, और पानी भी देखिए दही का, प्याज का, अदरक लहसुन का अच्छे से छूट चुका है। तो अब हम लोग कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और इसे 4 से 5 मिसल आने तक मटन को अच्छे से बॉइल कर देंगे। थोड़े से काजुओं को मैंने गर्म पानी में भिगा के ले लिया है, हम लोग इसका अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। अगर आप लोग चाहो तो इसे दूध में भी इसका पेस्ट बना सकते हो। और ये घर की दूसरी मलाई है, 3 से 4 चम्मच भर के लेके मैंने अच्छे से फेंट ली है। इसकी जगह पे तुम लोग अमूल की फ्रेश क्रीम भी ऐड कर सकते हो।
देखिए माशाल्लाह हमारा मटन अच्छे से बॉईल हो चुका है और तेल भी अच्छे से ऊपर आ चुका है। तो इस टाइम पे हम लोग गैस की फ्लेम स्लो करके थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से हम लोग तेल निकाल लेंगे, ताकि हमें जब बिरयानी दम देनी हो तब हम इस तेल का इस्तेमाल कर सके। इतना तेल देखिए मैंने निकाल लिया है अखनी में से। अब हम लोग इसके अंदर ये मलाई ऐड कर देंगे। और साथ ही में काजू का पेस्ट भी ऐड कर देंगे। और अब इन सब चीजों को हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और गैस की फ्लेम अब हम बंद कर देंगे। माशाल्लाह हमारी मटन की अखनी बन के रेडी हो गई है। देखिए 3 से 4 प्याज को अच्छे से मैंने फ्राई करके ले लिया है। बिरस्ता भी हमें इस तरह से हल्के कलर का करना है, ज्यादा डार्क नहीं करना है। और वो भी हम लोग इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से अब इसे मिक्स करके हम लोग बिरयानी की लेयर जमा लेते हैं। थोड़े से चावल हमने देखिए इस तरह से अरेंज कर लिए पतीली में। हमें चावल को 3 भाग में डिवाइड कर लेना है और 3 भाग में हमें थोड़ी थोड़ी सी इस तरह से अखनी ऐड कर करके हमें लेयर जमा लेनी है। अब इस टाइम पे हम लोग इसके अंदर थोड़ा सा तेल ऐड करते जाएंगे। इस तरह से देखिए फिर से हम लोग थोड़े से चावल ऐड करेंगे। थोड़ा सा बिरस्ता ऐड कर देंगे और ये वही तेल है जो हमने मटन की अखनी में से निकाला है, वो भी थोड़ा थोड़ा सा। इस तरह से हम लोग जब लेयर के टाइम पे तेल ऐड करते जाते तो हमारे चावल एकदम अच्छे से मुलायम पकते हैं। फिर से थोड़ी थोड़ी अखनी ऐड कर देंगे। आज थोड़ी सी क्वांटिटी ज्यादा है इसलिए हम लोगों ने 3 भाग में डिवाइड करके लेयर जमा है। अगर आप लोगों की क्वांटिटी कम हो तो आप लोग एक लेयर भी जमा सकते हो। और ये देखिए अब हमारा फाइनल लेयर है, तीनों लेयर हमने जमा के रेडी कर दिए हैं। इस तरह से हम लोग जब ज्यादा क्वांटिटी में बिरयानी बनाते हैं और 3 से 4 लेयर करते हैं तो बिरयानी सर्विंग करने के टाइम पे भी हमें आसानी रहती है। देखिए बचा हुआ हम लोग सब तेल इस तरह से ऐड कर देंगे और साथ ही में थोड़ा सा धनिया और पुदीना के पत्ते और थोड़ा सा बिरस्ता भी हम लोग ऐड कर देंगे। हम इसे देखिए अब ढक्कन ढककर 10 से 15 मिनट के लिए गैस की फ्लेम स्लो करके अच्छे से दम आने तक छोड़ देंगे। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बिरयानी अच्छे से दम आ चुकी है और माशाल्लाह देखिए बहुत बेहतरीन खुशबू आ रही है। और हमारी बिरयानी का एक एक दाना देखिए किस तरह से खिल के पका है। अब हम लोग थोड़ी सी इसे मिक्स कर लेंगे और बिरयानी को सर्व कर लेंगे। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मटन सुफियानी बिरयानी बन के रेडी है। इसे सुफियानी बिरयानी भी कहा जाता है, वाइट मटन बिरयानी भी कहा जाता है, शाही बिरयानी भी कहते हैं। और माशाल्लाह इसकी रंगत देखिए। आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और मिलते हैं अगली नई रेसिपी के साथ। अपनी खास दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।